स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा जितने भी मेन टॉपिक्स थे इसके चैप्टर के स्टडी करने वाले 7 चैप्टर के, वो सब हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो हम बोले थे कि अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे पेयर दिया गया पॉइंट का, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है जब पेयर रहता है पॉइंट का तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे फर्स्ट नंबर का फर्स्ट हम देखते हैं, जो हमें दिया हुआ है 2, 3, 4, 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं ए है और एक पॉइंट बी है। ए का क्या कोऑर्डिनेट है 2, 3 और बी का क्या कोऑर्डिनेट है 4, 1। हमें क्या करना है, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहां पे भी लिख लेते हैं ए 2, 3, B 4, 1, ठीक है। तो ए बी यानी कि ए से बीच का, ए से बी के बीच का डिस्टेंस यानी कि ए बी। तो ए बी फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, रूट अंडर या फॉर्मूला याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 और y1 कंसिडर कर ले रहे हैं फर्स्ट वाले पॉइंट का। तो इसका हो जाएगा x1 = 2, y1 = 3, इसका हो जाएगा x2 = 4 और y2 = 1। हम बोले थे किसी को भी x1 मानिए किसी को भी x2 मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि स्क्वायर आकर के सबको बराबर ही कर देता है, सबका वैल्यू ठीक है इक्वल कर देता है। तो यहाँ पे x2 - x1 है यानी कि 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी y2 है 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 और प्लस -2 का स्क्वायर भी 4, तो √8 हो गया। और √8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√2 यूनिट। क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता है कि कौन सा यूनिट लेना है, इसलिए हम लोग इसमें यूनिट ही क्लेरिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग सेकंड और थर्ड बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड में हमें अल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है तो हमें अल्जेब्रिक वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, उसको आप सॉल्व कीजिए आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 - 0 यानी कि 0 - 0 किसका वैल्यू हो जाता है, ओरिजिन का, ठीक है। एंड 36 - 15 दो पॉइंट है, 0 - 0 एंड 36 - 15, उन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर कह रहा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो फिर उसके बाद कहता है कि क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं दो टर्म ए और बी जिसके बारे में चर्चा किया गया सेक्शन 7.2 में। तो हम सेक्शन 7.2 का जो डिटेल है उसका टर्म के बारे में जो कह रहा है उसको यहां नोट किए, लेकिन ये बाद में करना है। पहले हमें क्या करना है, ओरिजिन और 36 - 15 के बीच में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि ये 0 - 0 है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन 0 - 0 और ये जो हमारा 36 - 15 है इसको हम लोग मान लेते हैं ए 36 - 15। या आप एक काम करिए, इसी को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से हमको निकालना है। तो ए हमारे पास क्या है 0 - 0, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है 36 - 15। हमें करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ए बी का। तो x1 हो गया 0, y1 भी हो जाएगा 0, x2 हो गया 36 और y2 हो गया 15। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 15 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर निकाले रहे हम लोग आसानी से, तो हो जाएगा 66 + 36 + 6 = 18 + 21 + 3 = 18 + 8 = 1 + 3 = 9 = 1 = 1296 प्लस इसका हो जाएगा 225, ठीक है। इसको ऐड करते तो हमें मिल जाएगा कितना, 5 - 6 = 5 = 1 - 11 और 9 - 11 = 12 - 2 - 2 = 4 - 1 = 5 - 1 15 - 21 इतना आ गया रूट 15 - 21। इसको आप लोग देख लीजिए इसका वैल्यू निकलता है कि नहीं निकलता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इतना यूनिट कुछ इसका डिस्टेंस आ गया, हो सकता है इसका कोई रूट निकल जाए या नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अब आगे इस क्वेश्चन में क्या था, क्या कहता है, क्या क्या आप टर्न ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो सेक्शन 7.2 में डिस्कस किया गया। तो हम लोग को अब सेक्शन 7.2 पे ध्यान करना है। तो सेक्शन 7.2 है हमारा, एक टर्न बी
ए यहाँ पे ये ए टर्न को नहीं दिखा रहा है, ए मतलब ए कोई बात कर रहा है। टर्न बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टर्न ए। एक टर्न बी है जो टर्न ए से 36 किलोमीटर ईस्ट की ओर है और 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन अगर हम दिखाते हैं तो एक ऐसा हम लोग का ग्राफ बनता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि अगर यहां से जो हमारा पॉइंट ए है, ए से ही बात कर रहा है ना, क्योंकि कोई दूसरा पॉइंट तो हमें दे नहीं रहा है, जो रिस्पेक्टिव पॉइंट ले रहा है उसी के बारे में इसी को हम ओरिजिन मानते हैं। कभी भी हम डिस्टेंस जो मानते हैं, जिससे मान लेते हैं अगर मेरे से किसी चीज की डिस्टेंस मानी जाएगी तो हम ओरिजिन हो जाएंगे, मेन पॉइंट मेरा हो जाएगा और मेरे से डिस्टेंस मापा जाएगा। तो यहाँ पे टर्न ए ओरिजिन हो जाएगा क्योंकि टर्न ए से बी का डिस्टेंस मापा जाएगा, तो टर्न ए ओरिजिन हो गया। अब क्या कह रहा है कि टर्न बी जो है वो 36 किलोमीटर ईस्ट में, 36 किलोमीटर तो ईस्ट की तरफ 36 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ कितना 36 किलोमीटर, मान लेते इतना दूर का दूरी हो जाएगा 36 किलोमीटर यहाँ पे। और फिर क्या कह रहा है नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर, नॉर्थ एबव हो जाएगा, तो यहां से नॉर्थ की तरफ इधर 15 किलोमीटर, मान लेते यहां पे कुछ 15 किलोमीटर आएगा, तो इसके पैरेलल यहां पे, तो ये यहां पे इस पॉइंट पे ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ में 15 किलोमीटर, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो हम लोग जब बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स हो जाएगा 36 और 15, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन जो होता है ईस्ट और वेस्ट वो एक्स एक्सिस में आता है, नॉर्थ साउथ हमारा किसमें आता है वाई एक्सिस में। ईस्ट कहता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा, वेस्ट कहेगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस में वैल्यू होगा, नॉर्थ कहेगा तो पॉजिटिव वाई में और साउथ कहेगा तो निगेटिव वाई में, ठीक है। तो 36 किलोमीटर ईस्ट बोला यानी कि एक्स में 36 यूनिट, और 15 किलोमीटर क्या बोला है नॉर्थ में, तो ये हो जाएगा 15 यूनिट किसमें y में, ठीक है। तो x 36 और 15 ये b का हो गया। अब यहाँ पे हमें किलोमीटर में चर्चा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दो पॉइंट है तो a ओरिजिन होगा, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 0 0, और b हो जाएगा क्या 36 15, ठीक है। तो ये सेम हो गया कि नहीं हो गया, 0 0 36 15, वही चीज दिया हुआ है, वही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें, उसी को बोला, इसलिए वो बोला सेक्शन 7 पॉइंट किसी से दे दिया, ठीक है। तो अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, तो बस इसी फॉर्मूला से, और ये जो आएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें किलोमीटर में बात किया था तो ये किलोमीटर में आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। हमें डिटरमाइन करना है, हमें ये देखना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो अगर आप लोगों ने कोलिनियर का टॉपिक देखा होगा पिछले वीडियो में, तो उसमें हम क्लियरली बताए थे कि जब तीन पॉइंट दिया रहे और कोलिनियर कहेगा तो उसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके और दूसरा किसको एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फिलहाल अभी जिस एक्सरसाइज में हम लोग है उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का ही पूरा यूज करना है। तो अगर हमें तीन पॉइंट दिया हुआ है, देखिए मान लेते ए हमारा क्या है ये 1 5, बी हमारा है 2 3 और सी हमारा है -2 -11। तो कह रहा है कि इसको हमें देखना है कि ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं है। तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया जब कोलिनियर फाइंड करना हो तो हम क्या क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, चूंकि ये तीन पॉइंट दिया है लेकिन ये सेम ऑर्डर में होगा, एक ही लाइन में होगा, ये हमें नहीं पता, या ये एक लाइन में है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ पता करना है कोलिनियर होगी कि नहीं। तो क्या करेंगे, ये तीनों जब निकालेंगे ए बी बी सी ए सी, तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, जिसका लेंथ सबसे ज्यादा आएगा, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का सबसे ज्यादा होगा, उसको छोड़ देना है, और जिन दो का कम कम होगा, इसे बड़े वाले से कम कम होगा, मान लेते इसका आ गया कुछ, मान लेते इसका x आ गया जो सबसे ज्यादा था, ठीक है, और ये y जेड, ठीक है ना। तो अगर x सबसे बड़ा आ जाएगा, x हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा वाई जेड दोनों से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाई प्लस जेड निकालेंगे, ठीक है, y प्लस जेड निकाल लेंगे, और जब इस दोनों को, बाकी के दोनों को अगर हम जोड़ेंगे y और z को, अगर ये x के इक्वल आ गया तो ये कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब क्या है, जिस तीनों लेंथ में से अगर दोनों छोटे छोटे लेंथ को जोड़ने पे बड़े वाले की इक्वल आ गया तो ये कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप लोग कोलिनियर वाला वीडियो देखिए, उसमें ज्यादा क्लियर किया गया, ठीक है, और अगर देख लिए तो आप समझ गए होंगे जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है, चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी तो हम ट्रायंगल का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं। तो जब हमें एक आइसोसेलस ट्रायंगल का बात करता है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है, ठीक है, दो साइड इक्वल होगा। मान लेते हैं ये वर्टिसेस है ए बी सी, इसका वर्टिसेस है, तो आइसोसेलस में दो का कोई भी दो साइड, कम से कम दो साइड
इक्वल ही होगा कोई भी दो साइड, ठीक है, या तो ए बी ए सी हो जाए, ए बी बी सी हो जाए, कोई भी दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तीन वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 5 - 2 = 6 - 4 - 7 - 2, हम क्या करेंगे, मान लेते ए हो जाएगा हमारा 5 - 2, बी हो जाएगा हमारा 6 - 4 और सी हो जाएगा हमारा क्या 7 - 2। तो ऐसे जब तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, ए सी ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों का साइड फाइंड कर लेंगे, तीनों का साइड ए बी बी सी ए सी, और अगर तीन में से कोई दो हमारा इक्वल आ रहा है, कोई भी दो, क्योंकि आइसोसेलस है दो साइड इक्वल होना चाहिए, तो कोई भी दो, ये साइड फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी के बीच का, बी सी के बीच के, ए सी के बीच के, ठीक है। और अगर कोई भी दो इसमें से इक्वल आ जाएगा, मान लेते ए बी बी सी इक्वल आ गया, ठीक है ना, तो जब दो साइड इक्वल हो गया इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.1। ये हमारा फिगर है 7.1, ठीक है। कह रहा है क्या कि एक क्लासरूम में चार स्टूडेंट है, उसको पॉइंट दिया गया है ए बी सी डी, चार पॉइंट पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। चंपा और चमेली क्लास आती है, कुछ देर अवलोकन करने के बाद, देखने के बाद, पढ़ने के बाद क्या कहती है, कौन चंपा कहती है चमेली से, पूछती है तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो एबीसीडी बैठे हुए हैं कि एबीसीडी मिलकर के एक स्क्वायर बनाते हैं, यानी कि ए से बी को मिलाया जाए, बी से सी को मिलाया जाए, सी से डी को मिलाया जाए और ए से डी को मिलाया जाए, तो जो तो हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये स्क्वायर होगा, ये चंपा कहती है, ठीक है। लेकिन चमेली डिसएग्री करती है उससे, चमेली उसको नकार देती है, नहीं ऐसा नहीं है, असहमत है चमेली से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ द व्हिच करें, हमें क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके क्या करना है, ये देखना है कि कौन इसमें करेक्ट है। तो देखिए ये जो ग्रिड बना हुआ है इसमें यूनिट दिखाया हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल लाइन हमारे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबका यूनिट फाइंड करेंगे, पहले सबका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, एक्स एक्सिस यहां पे है ना, तो एक्स एक्सिस में 3 यूनिट और वाई एक्सिस में 4, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 - 4। ऐसे ही जब हम बी को देखते हैं तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में 6 यूनिट और वाई एक्सिस में 7, तो 6 - 7। फिर सी का क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या है, एक्स एक्सिस में 9 यूनिट और वाई एक्सिस में 4 यूनिट, यानी 9 - 4। और डी हमारा क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट है हमारा 6 - 1, ठीक है, एक्स एक्सिस में 6 यूनिट और वाई एक्सिस में 1 यूनिट। तो ये चारों का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें ये पता करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और उनके दोनों के दोनों डायगोनल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है एंगल का बात तो कर नहीं सकते इस सब में, यहाँ पे तो एंगल निकालने नहीं जाएंगे, तो हम लोग तो लेंथ ही निकाल सकते, डिस्टेंस ही निकाल सकते दो पॉइंट का, तो यहाँ पे हम चारों साइड निकाल सकते हैं और दोनों डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है, ये डायगोनल बी डी और ए सी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग निकालें पहले ए डी बी सी, उसके बाद सी डी और ए डी, ऐसे ही चारों साइड हम लोग निकाल लेंगे, चारों का डिस्टेंस निकालेंगे, चारों का ऐसे करके ए बी बी सी सी डी ए डी चारों का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद अगर ये चारों इक्वल आ गया तो पहले ये कंफर्म करेगा कि ये एक रोम्बस बना रहा है, ये स्क्वायर नहीं बोलेगा क्योंकि रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं। लेकिन जब दोनों डायगोनल हम निकालेंगे वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ही ये स्क्वायर होगा, यानी कि इसके बाद हम लोग निकालेंगे ए सी और बी डी डायगोनल, ठीक है। तो जब चारों साइड ये इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे तो जाकर कि ये बनाएगा स्क्वायर, और अगर ये इक्वल नहीं होते, ये चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो ये स्क्वायर नहीं बनाएगा, या ये चारों इक्वल भी हो गया और ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो भी ये स्क्वायर नहीं बनाएगा। तो अगर ये सब इक्वल होता है तो जाकर के ये एक स्क्वायर बनेगा, और जब अगर ये कंफर्म हो जाता है, जब हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा ये स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर होगा तो कौन करेक्ट होगा, चंपा, और इनकरेक्ट हो जाएगी चमेली। और अगर ये स्क्वायर नहीं हुआ तो चमेली करेक्ट हो जाएगी और चंपा इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा दोनों में से कौन सही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 5th क्वेश्चन तक ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आएगा उसमें हम लोग इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।